गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 9 एयर एंड वाटर. हाउ डज द काइट फ्लाई ग्रैंडपा? टू प्लांट्स नीड वाटर टू फ्लाई. दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन ग्रैंडपा एंड हिज ग्रैंडसन. तो ये कन्वर्सेशन है ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंडसन की. तो ग्रैंडसन बोलते हैं कि हाउ डज द काइट फ्लाइंग ग्रैंडपा, यानी कि काइट कैसे फ्लाई करती है. टू प्लांट्स नीड वाटर टू लिव, यानी कि प्लांट्स को वाटर की नीड होती है जीवित रहने के लिए. फादर द काइट फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ एयर, यानी कि काइट जो उड़ती है एयर की हेल्प से उड़ती है स्काई में. ओके. बोथ एयर एंड वाटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि एयर और वाटर दोनों ही सभी लिविंग थिंग्स के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है, जरूरी होते हैं. ओके. एयर एंड वाटर आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि सभी लिविंग थिंग्स के लिए एयर भी, यानी कि हवा और वाटर दोनों चीज इक्वल ही इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है. वी नीड एयर एज वेल एज वाटर टू लिव. हमें जरूरत होती है एयर की, हवा की भी, और ऐसे ही पानी की भी जरूरत होती है जीवित रहने के लिए. लेट अस लर्न मोर अबाउट एयर एंड वाटर, वाटर एंड देयर यूजेस. अब हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें, एयर, वाटर और उसके यूजेस को. ओके चिल्ड्रन. नाउ एयर, वी कैन सी एयर, वी कैन सी नहीं, वी कैन नॉट सी एयर, यानी कि हम एयर को नहीं देख सकते हैं. बट इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, लेकिन ये सब जगह होती है. देखिए, जैसे कि हमारे हम जिस जगह खड़े हुए हैं उस जगह भी एयर है, गार्डन में, क्लासरूम में, बाहर खुले हुए एरिया में, प्लेग्राउंड में, स्काई में, सब जगह एवरीवेयर एयर. ओके. एयर इज एवरीवेयर, बट इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. एयर हेल्प अस टू ब्रीथ. एयर का क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले ये हमें ब्रीथ करने में हेल्प करती है एयर. वी कैन नॉट टच और स्मेल, बट वी कैन फील इट. आपको पता है ना, हम एयर को टच नहीं कर सकते हैं, स्मेल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं. कब फील होता है हमें एयर, जबकि हम जब कभी फैन चलता है तो उससे क्या होता है, एकदम से हमें हवा लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो हमें पता चलता है हाँ यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर चल रही है. इसका मतलब हम केवल इसको फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं हम उसको, स्मेल नहीं कर सकते हैं. ओके. वी कैन फील द एयर व्हेन अ फैन और अ कूलर इज स्विच्ड ऑन, यानी कि हम एयर को फील कर सकते हैं. कब कर सकते हैं, जबकि हम एयर को फैन का या कूलर का स्विच ऑन करते हैं तो हम उसको फील कर पाते हैं. जैसे कि एयर चलती है तो हमें फील होता है, हमारी गर्मी दूर होती है, हमारी ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई एयर है यहाँ पर. वी कैन फील एयर व्हेन वी रोल डाउन द विंडो इन द कार एंड वाइल रनिंग इन द प्ले ग्राउंड. हम एयर को फील करते हैं कब, जबकि हम एकदम से चलती हुई कार में से विंडो को ओपन कर देते हैं तो एकदम से एयर आनी स्टार्ट हो जाती है, या हम प्ले ग्राउंड में होते हैं जब भागते हैं तो हमें ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एयर है. एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एयर क्या होता है, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करती है. एयर कैसे करती है, एयर मूव्स वन प्लेस टू अनदर. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और विंड किसको बोलते हैं, मूविंग एयर. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. कॉल्ड विंड यानी कि जब एयर चलती है तो क्या होता है, जो नॉर्मल एयर चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. ओके चिल्ड्रन. तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, चलती हुई जो हवा होती है उसको हम विंड बोलते हैं.
Now, thanks children, have a nice day.